सुरक्षा घेरा तोड़ बच्चे ने राहुल गांधी को कर लिया किस, देखें क्यूट वीडियो। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और टीम को लीड कर रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान कई तरह के वीडियो वायरल हुए, जिसमें कभी वो एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री को अपने साथ ही दौड़ा देते हैं तो कभी बच्चों के हाथ पकड़कर चलने का मामला हो। लेकिन इस बार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ एक ऐसा पल हो गया जिसे देख लोग राहुल के प्रति बच्चे का प्यार और भावना देखकर हैरान हो गए। दरअसल हुआ यूं कि एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आता है और गांधी के सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ सीधे राहुल गांधी के पास जाकर उन्हें किस कर लेता है। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी भी बड़ी विनम्रता से बच्चे के कंधों पर हाथ रख कर उसे भरोसा दिलाते हैं। लोग इस बात को लेकर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जिस अंदाज में सिचुएशन संभाली और लड़के से बात की, ये काबिले तारीफ है। वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए डॉक्टर उमा शंकर पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा, यूं ही नहीं कोई गांधी बन जाता है, लाखों करोड़ों लोगों का प्यार सम्मान एवं भरोसा बनाता है राहुल गांधी। देखे वीडियो। बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक यहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। यह दूसरा मौका होगा जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष का कोई शीर्ष नेता नजर आएगा। इससे पहले 7 सितंबर को तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को यात्रा शुरू होने पर कन्याकुमारी में राहुल गांधी को तिरंगा सौंपते हुए देखा गया था। कांग्रेस की 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। वायनाड के सांसद अपनी जनसभाओं के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।